एंड्रॉयड 15 2.1 पिक्सल प्रोजेक्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारे रेडमी के नोट 10 प्रो प्रो मैक्स के लिए, जिसमें 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, बिल्ड 2 मई का है। और बाकी क्या कुछ इस रोम की तरफ से आपको दिखाई देता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने लूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना है या नहीं। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आप फैसला ले सको। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो, अच्छा लगता है तो यार लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। ये एक पिक्सल है, आपको इसके नाम में ही देखने को मिलता है, तो कस्टमाइजेशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट हाँ स्टेबिलिटी और स्मूथनेस कैसा है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आप देख पा रहे हो काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट कैमरा दिया गया है जो कि आपका काम करता है, यहाँ पे जिसे हम कह सकते हैं लाइका कैमरा या फिर हाइपर 1 या 2 कैमरा, जो भी आपको कहना है कह सकते हो। हम आते हैं सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग का यूआई काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाता है सेटिंग के अंदर। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, डिजिटल पासवर्ड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जहाँ पे आपको फेस एंड फिंगरप्रिंट मिलेगा। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे स्क्रैम्बल का, क्विक सेटिंग वगैरह का। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्राइवेट स्पेस। मोर पे आते हैं, इन करते हैं, तो आपको यहाँ पे डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिल जाएगा। अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो अबाउट सेशन और सिस्टम, जहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे प्ले स्टोर का स्पूफ मिल जाता है, बैकग्राउंड ब्लर और मोर थीम का ऑप्शन मिलता है। जेस्चर्स के अंदर टैप क्यू ओपन कैमरा नेविगेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह है। सर्कल टू सर्च भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बेसिक से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अनदर यहाँ पे सिस्टम डायग्नोसिस भी दिया गया है। और ये प्रोफाइल जिसका मैंने यूज नहीं किया, विदाउट इसके यूज के मैंने परफॉर्मेंस जो निकाला है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपको भी पसंद आने वाला है। बैटरी के अंदर यहाँ पे को देखने को मिलता है चार्जिंग कंट्रोल जो कि सही है, बैटरी परसेंटेज और बाकी अदर चीज़ें 1% अभी के टाइम पे जो घट गया है जैसा कि आपने अभी नोटिस किया। बाकी वॉलपेपर के अंदर ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, वही शॉर्टकट है, लॉक स्क्रीन वगैरह के ऑप्शंस है। AI वॉलपेपर यहाँ पे आपका इनेबल रहता है जो कि आप यहाँ पे ऑल वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो या फिर अलग से यूज कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस हमारा सही काम कर रहा है, नो इशूज। यहाँ पे पॉकेट डिडक्शन है, डार्क मोड के अंदर आपको प्योर ब्लैक मिल जाता है। आइकन मैनेजर यहाँ पे दिया गया है जैसे कि पिक्सल वॉइस में रहता है। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि ब्लर लेवल्स का, टैप टू बैकअप और स्लीप वगैरह मोड्स जो कि आज के टाइम पे कॉमन हो चुका है। साउंड के प्रोफाइल पे आपको डॉल्बी का ऑप्शन मिलता है और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह, लेकिन हाँ आउटपुट कैसा है चलिए मैं आपको वो सुनाता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा ऑडियो के मामले में कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। बाकी बैक की आते हैं तो आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे नोटिफिकेशन कूल डाउन का कॉमन सा फीचर्स जो कि अभी फिलहाल आया है एंड्रॉइड 15 में, और ये काफ़ी बेहतरीन है। जहाँ पे बहुत सारे अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो इससे कंट्रोल करता है ताकि आपको दिक्कत ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन वहीं पर आपका कॉल और अलार्म के साउंड को डाउन नहीं करता। लेस बोरिंग कॉम्पैक्ट हैंड्स अप वगैरह आपको मिल जाएगा नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे आपको नेटवर्क ट्रैफिक डेटा और साथ ही साथ 4G आइकन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। और इससे ज़्यादा और कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी वगैरह आपको यहाँ पे जरूर मिल जाता है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक सही देखने को मिलता है इस डिवाइस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कोई भी BCR नहीं दिया गया कॉल रिकॉर्डिंग के मामले में जैसे कुछ लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बैटरी ड्रॉप देखो जो कि 72 के बाद मॉर्निंग में 72 ही आता है, जहाँ पे फुल नाइट 8 hours 38 minutes का था और यहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप। फुल नाइट मतलब इतना देर तक मैंने इसे स्टैंड बाई पे रखा है और 0% का बैटरी ड्रॉप हुआ, काफ़ी अच्छी बात है। अनटूटू स्कोर काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे किकबेंच भी मुझे काफ़ी पसंद आया है और CPU टोटल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे 2,05,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 1,59,000 है, जहाँ पे 85 का परसेंटेज निकल के आता है। कैमरा वगैरह चेक किया है वो हमारा काम करता है। फोटो स्टोर यहाँ पे आपको अनलॉक मिलता है, काफी अच्छी बात है। अनदर L1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और डिवाइस सर्टिफिकेशन की बात करें तो वो आपको पास मिलता है, बैंकिंग ऐप वगैरह यूज कर पाओगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और साथ ही साथ यहाँ पे गेमिंग के अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिलता है जो कि स्ट्रीम प्लस है, बाकी आपको पता ही है कैसा होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी सेकेंड डे की बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 64 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 47
और ये भाई काफ़ी लंबा चौड़ा गैप है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चार्जिंग डाला था, जहाँ पे आप देख सकते हो 12 मिनट में जो 17% चार्ज हो जाता है, जो कि मैं कहूँ कि अच्छी बात है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग के मामले में, कुछ खास यहाँ पे फास्ट और स्लो नहीं आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी ओवरऑल रोम की तरफ से निकल के आता है वो मैं कहूँ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही, आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक लो कस्टमाइजेशन वाला स्टेबिलिटी वाला रोम चाहिए तो, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये ऑफर करता है। बट डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको क्या कुछ कैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक गेम स्पेस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि सही काम करता है। रही बात डालना कैसे, तो वही वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट का मेथड आपको अप्लाई करना है। मैं वीडियो के एंड में है जो मेथड डालने वाला हूँ, जिसे देख के आप इसे इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। सो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। फोन के ऑफ होते ही पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट बूट लोगो शो कर देगा। अब आपको अपने फोन को पीसी से कनेक्ट करना है, सारे इंपॉर्टेंट फाइलें रिक्वायर्ड जो भी है उसे आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर लेना है और सीएमडी कमांड को ओपन करना है। सीएमडी कमांड जैसे ही ओपन होता है आपको या तो पहले ड्राइवर चेक करने के लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट TWRP ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉलेशन का जो भी आपका सपोर्टेड कमांड है वो आपको टाइप करना है, और अपना TWRP ऑरेंज फॉक्स का इमेज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फ्लैश कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड रिकवरी रहेगा वही यूज करना है। उसके बाद कमांड डालना है रिबूट टू रिकवरी का, जिससे आपका फोन रिबूट कर जाएगा रिकवरी के अंदर। और अब रिकवरी से आपको ब्राउज करना है क्या, आपकी सपोर्टेड फाइल को वन बाय वन करके सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और मे बी अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करो और रोम को फिर से रीफ्लैश कर लो। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे मे बी आपका है जो TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिप्लेस होकर डिफरेंट रिकवरी शो कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस रोम को नए रिकवरी के साथ दोबारा रीफ्लैश कर दो। अगर रीफ्लैश प्रॉपर हो चुका है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा विदाउट किसी इशूज के। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये सेम फॉलो कर सकते हो आप अपने HyperOS को फ्लैश करने के लिए, AOSP वाले किसी भी रोम को फ्लैश करने के लिए, सेम चीज़ें यहाँ पे होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्लैश कर रहे हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए, कोई भी एरर ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।